जापान जो दुनिया का सबसे उन्नत देशों में एक माना जाता है, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान पूरी तरह बर्बाद हो गया था। लेकिन इसके बावजूद जापान ओनली 70 सालों में इंटेलिजेंसी के कारण जापान आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आइए जानते हैं जापान के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। क्या आप जानते हैं अमेरिका चीन के बाद जापान ही दुनिया का सबसे बड़ा पैसा कमाने वाला देश है, मीन सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। जापान का क्षेत्रफल हमारे भारत वर्ष के एक राज्य के बराबर है, लेकिन जापान एक साल में जितना पैसा इनकम करता है उतना हम पूरा भारतवासी मिलकर भी नहीं कर सकते हैं। जापान, जिसे बहुत ही लोग यह भी कहते हैं कि जापान आज 2019 में नहीं बल्कि 3019 में जी रहा है, और क्यों ना कहें, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी और इनका रहन सहन पूरी दुनिया से बिल्कुल ही अलग है, जहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ड्यूटी आवर में भी वहाँ के लोगों को आधे घंटा सोने के लिए दिया जाता है, जिससे उसका स्ट्रेस दूर हो सके। जापानीज का टेक्नोलॉजी इतना हाईटेक और एडवांस होता है, वहाँ की ज्यादातर शॉप में वेल्डर मशीन लगे हुए हैं, वहाँ कोई भी इंसान नहीं रहता है। आप वेल्डर मशीन में अपना पैसा डालें, क्या चाहिए वो डालें, वेल्डर मशीन आपको वो प्रोडक्ट आपको दे देगी। और तो और यहाँ के लोग इतना ज्यादा ईमानदार होते हैं कि यहाँ पर कई ग्रोसरी मॉल में जहाँ वर्कर भी नहीं है, वहाँ रोबोट भी नहीं है, वहाँ केवल मॉल है और वहाँ खाने पीने की सारे सामान वहाँ रखी हुई है, साथ में चार्ट प्राइस भी दिया हुआ है। आप प्रोडक्ट ले लें और उनके प्राइस के हिसाब से उनके काउंटर में पैसा डाल दें और वहाँ से अपना सामान लेके चले जाएं। आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर ये इंडिया में होता तो ये एक ही दिन में लूटमार हो जाता। आपका क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं। आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा ईमानदारी है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जापान के रग रग में बसा हुआ है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जापानीज कंपनी अपने प्रोडक्ट क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, 200 से ज्यादा कंपनी आज 100 साल से भी पुराने कंपनियां हैं और उनका क्वालिटी और गुणवत्ता दुनिया में सबसे बेस्ट है। आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा, अमेरिका अपने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का नाच करता है लेकिन यूज करता है जापानीज प्रोडक्ट को। चाइनीज अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में बेचता है लेकिन वह खुद यूज करता है जापानीज प्रोडक्ट। जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस जिसका प्रोडक्ट वर्ल्ड फेमस है लेकिन वह भी खुद यूज करता है जापानीज प्रोडक्ट, क्योंकि जापानीज प्रोडक्ट में कोई रिस्क नहीं है और ये लॉन्ग लास्टिंग चलती है और इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बेटर होता है। कारण जापानीज अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग के टाइम इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं आने देता है और इसका लायबिलिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आप जापान जाएंगे तो यहाँ देखेंगे बहुत ही ज्यादा क्लीन और स्वच्छ है, क्योंकि यहाँ के लोग में क्लीनिंग कूट कूट के भरी हुई है। यहाँ पर स्कूल से ही बच्चे को क्लीनिंग का एक ग्रेड पढ़ाया जाता है, जहाँ पर ये स्कूल को साफ करते हैं और ये स्कूल इतना ज्यादा साफ होता है कि बच्चे सोचते रहते हैं कि आखिर आज हमें साफ क्या करना है। यहाँ का एडुकेशन लेवल बहुत ही हाई होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ के बच्चे को 10 साल तक कोई भी एग्जाम लिया नहीं जाता है और यहाँ पे ज्यादातर पढ़ाई थ्योरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल करके पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा इंटेलिजेंट और होनहार बन सके। यहाँ के क्लासरूम में बच्चे को एक पीरियड सोने का भी दिया जाता है, मीन्स बच्चे अगर बहुत ज्यादा पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो अपने डेस्क टेबल पर ही सो सकते हैं, मीन्स सोने का भी पीरियड यहाँ पर अलग होता है। जापानीज का औसतम आयु लगभग 100 साल से भी ज्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ का 50% लोगों की आयु 50 साल की उम्र से भी ज्यादा है। क्या आप जानते हैं, जहाँ भारत में बुलेट ट्रेन अभी चलनी बाकी है, वहीं जापान में 1964 में ही बुलेट ट्रेन स्टार्ट हो गया था। तब इस ट्रेन की स्पीड 210 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो कि आज 500 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से भी ज्यादा है। जहां भारत में हाल ही में तेजस एक्सप्रेस को प्राइवेटीकरण करने के लिए बहुत ही लोग विरोध कर रहे हैं, वहीं जापान आज से लगभग 30 साल पहले ही ट्रेन को प्राइवेटीकरण कर चुके हैं, जिससे वहां की 90% ट्रेन प्राइवेट कंपनियां हैंडल करती है। और आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि वहां का ट्रेन मैक्सिमम 15 सेकंड लेट होती है, मीन्स वहां की ट्रेन लेट होती ही नहीं है। अगर वहां की ट्रेन लेट हो जाती है तो वह ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है ना, गजब का फैक्ट। क्या आप जानते हैं, जापान में प्रति वर्ष 1500 से भी ज्यादा भूकंप आते हैं, मीन्स डेली का 4। लेकिन जापान में इतना मॉडर्न और हाईटेक बिल्डिंग बनाया गया है कि इन भूकंप का कोई भी असर नहीं होता है। जापान के लोग साधारण जीवन शैली अपनाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप देखेंगे वहाँ के लोग बहुत ही हाईटेक और एडवांस है, बट ये लोग जीवन शैली एकदम बिल्कुल साधारण तरीके से बिताते हैं। इसका एक फायदा ये भी है कि अगर हम घर में बहुत सारे वस्तु या बहुत सारे वस्तुओं को रखेंगे तो भूकंप पे ये बर्बाद हो सकता है, अगर हम कुछ साधारण चीज ही रखेंगे तो ये भूकंप से कोई भी इनका नुकसान नहीं होगा। क्या आप जानते हैं, जहाँ पर दुनिया में कोको कोला
का रंग ब्लैक होता है, आपने देखा होगा। वहीं जापान में कोको कोला का रंग ब्लैक नहीं बल्कि व्हाइट होता है। रियलिटी में इसका रंग व्हाइट ही होता है, लेकिन इसमें कलर डाल के इसे ब्लैक किया जाता है। लेकिन जापानीज को केवल ओरिजिनल और प्योरिटी चीज ही पसंद है, जिसके कारण यहाँ पर कोको कोला व्हाइट कलर का होता है। जहाँ पूरी दुनिया में वाटरमेलन गोल होता है, वहीं जापान में इसका शेप स्क्वायर टाइप का होता है, जिससे इसे आसानी से फ्रिज में रखा जा सके। है ना गजब का फैक्ट। जापान में अगर आप कार खरीदना चाहते हैं तो इसके पहले आपको पार्किंग सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। मींस गवर्नमेंट ये देखेगी कि आप जो कार खरीदने वाले हैं इसके लिए आपका परफेक्ट पार्किंग एरिया है या नहीं, तभी आप कार खरीद सकते हैं। जापान में काली बिल्ली का प्रचलन बहुत ज्यादा है। जहाँ पूरी दुनिया में काली बिल्ली को अपशगुन माना जाता है, वहीं जापान के लोग काली बिल्ली को बहुत ही शगुन मानते हैं। क्या आपको पता है जापान में लगभग 90% फोन वाटरप्रूफ होता है, क्योंकि जापानीज लोगों के पास टाइम बहुत ही कम होता है, जिससे वो लोग नहाते नहाते भी फोन पे बात कर लेते हैं। है ना गजब का फैक्ट। जापान में कुल 105 एक्टिव वोल्केनो है, मींस ज्वालामुखी। आपने डोरेमन का नाम तो सुना होगा, लेकिन डोरेमन का जन्म जापान में ही हुआ था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, यहाँ पे छपने वाली किताबों में से 20% केवल कॉमिक्स ही छपती है। मींस यहाँ के लोग और बच्चे कॉमिक्स के बहुत ज्यादा दीवाने होते हैं। क्या आपको पता है जापान में एक ऐसा बिल्डिंग है जहाँ पर ट्रेन बिल्डिंग के बीचों बीच होके निकलती है। दोस्तों तो कैसा लगा आपको ये जापान के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट, कॉमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो डालूं आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।